अच्छा ते दिन वाला फंक्शन दा खाना तैयार थी ना पता मैं ना ना के हुन गाजर ठीक है लेकिन हुन आज गिदे जुल दे गाजर है ते शिमला मिर्ची आज पैसे सलाद है पहले खीरा ते गोभी कटे ना खड़े से बाकी दो धाने सारे पिंडाल माशाल्लाह खाना लग गए ते हुन मेहमान इजी थी ने मैंने खाना खा के ते जेरा फंक्शन है ना माशाल्लाह ते वो एक वीआईपी फंक्शन है ते उने के असा ना एक नाइट व्यू सा कुछ चाहिए देते हैं यही वजह के असा अपने जेरा सारा ग्रासी प्लॉट है होने बेचे सारी लाइटें करवाई पे हैं ताकि अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू अनदर व्लॉग तो सारे पे मेरा यूट्यूब चैनल सरदार व्लॉग ते आज दा अपना व्लॉग करना स्टार्ट तो पिछले व्लॉग दिखा सो के रात फंक्शन आई मार्केट ते काफी लेट आया मैं तकरीबन कोई एक दा टाइम आई एक डेढ़ दा टाइम आई ते मैं घर आन पहुंचा मैं ते हुन तकरीबन 10 दा टाइम थी गया ते मैं तैयारी-शारी कर के मैं के बिल्कुल तैयारी कर के व्लॉग स्टार्ट करे सो ते व्लॉग स्टार्ट कर के वल शहर लगावे सा क्योंकि उथा आज वाला फंक्शन है माशाल्लाह अपना ते वो भी अपने एक फंक्शन दी रहे ते बिया फंक्शन है शाम दा वो अपने खाने नाले बाकी हुन मैं जो वेंदा पे घरों मोटरसाइकिल चुके ना ते वाला मोटरसाइकिल चेक के वेंदे उड़े शहर तो थोड़ा बहुत सामान है गिनने ते वो सामान गिनते हैं बाकी फंक्शन की तैयारी करें तो मैं जानी में हूँ जी आ कि मैं अजा खड़े हैं मोटरसाइकिल खड़े हैं मीते मलिक साहब आ गए भाई ये की दिया तो वो की दिया पैसे काट देते थे इतना लेट कर देती आज ते ये गिनना ते वाला हूँ वेंदे पे वो सामान गिन दसाए थे कोई सामान गिनना आई ते अच्छा जी मैं जल्दी जल्दी पहुंच गया माने की दुकान से तो मैं क्यों ना पहले ये बस सामान चाह के नूँ क्यों भला इन बाद भला लगा वैसा मंडी थे अभी ये सामान चाह के नूँ ये सामान क्योंकि होने भी देवने नहीं फंक्शन थे ऐसा कोई सामान देवने टीटू वगैरह थे डिस्पोजेबल तो मैं के पहले चलो हूँ ये फंक्शन तो ला गए इन बाद मैं भला लगा वैसा मंडी शाम वाले फंक्शन सामान चावन थे बाकी जो सामान चाहिए मानी कटेना पे यो काट गिने वाला जो सामान अच्छा जी मानी को सामान गिन गिदे में तो मोटरसाइकिल लाल गिदे में काटन कौन थे हूँ वेने पे उड़े ये पूछे ने ते बाकी मानी दुकान तो सारा से जेरा माल है यो सारा ही को काटन बढ़ाए से तो गिन के हूँ लगा देना वाला अच्छा जी दिन वाले फंक्शन का खाना तैयार थी ना पे तो मैं बाजार वाला सामान चाह के आ गया हूँ वाला मैं वेना पे मंडी ते बाकी दिन वाले फंक्शन का खाना तैयार थी मना तकरीबन उस्ताद माशाल्लाह लगे पे सारे खाना आज पार्टी वाले अपना है ते सारे को कहो सन वो शाम को अच्छा जी मैं सब्जी सारी गहन के तकरीबन ते सारा कल दें बाकी सामान सारा मौदे रखे हैं बाइक को स्टैंड दे नाल सारा गहन के दमी ते हूँ एक दाल चावल की प्लेट खा के वाला निकल दें जो सामान शमान चाह के अपना अच्छा जी मंडी चो निकले सामान एक गट्टू ए बड़ी ते बाकी गाजर है गाजर हूँ खीदी से सलाद खादर पहले बिचो कहना पैदा खड़ा से कुछ नहीं पहले से गाजर सही कहना था पे हूँ गाजर ठीक है लेकिन हूँ आज खीदी जुलते हैं गाजर है तो शिमला मिर्ची आज पैसे सलाद देते हैं पहले खीरा तो गोभी कटे ना खड़ा से बाकी जो धाने ते टमाटर वगैरह तो बाकी बिया सामान सारा ही गट्टू अंदर है सामान घेन खीदे से हूँ जो पै निकल दे मार्केट का टाइम ही ठीक है तकरीबन कोई डू का टाइम थी वन लाए वाला ये आ गए तो माशाल्लाह डी वाला फंक्शन थी ना बाकी का शाम वाला फंक्शन का सारा सामान शामान मैं घेन आया थे डी वाला फंक्शन तकरीबन अद्धे मेहमान आ गए बाकी पिछो दे के नो पैंपे वगैरह थे तो लाइटा वगैरह लेने पर जरा तो दसाया मैं के ये रेडी थी वैसे अच्छा से खाना चलो सर्विस थी नहीं पे माशाल्लाह थे खाना निकले ने पैन पिछो सर्विस थी अच्छा जी खाना लग गया सारा ते माशाल्लाह पूरे पंडाल टोटल आइटम लग गए बाकी सर सीधी पे तकरीबन सारे आइटम लगे अलग हैं किचन जो चाह गए सारे आइटम अच्छा से सारे पिंड वाले माशाल्लाह खाना लग गए थे हूँ मेहमान इजी थी ने मैंने खाना खा के थे बस लेबर ही हूँ डिशा वगैरह वापसी करें नहीं पिए थे मतलब कि पूरा माशाल्लाह तकरीबन कोई 800 अफराद बैठे हाल है चीन टाइम थे सारे सर्विस बेहतरीन थी कि माशाल्लाह थे जब एक टेबल है दूल्हा से भी बैठे थे
ਖਾਣਾ ਲੱਗਾ ਭਾਈ ਦੇ ਵੀ ਲੈਬਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦਰੁਕ ਦਰੁਕ ਸਰਵਿਸ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਫੁੱਲ ਸਪੀਡ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਅਸੀਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਠੀਕ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ ਅਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਫਾਈ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਸੈਟਅਪ ਕੁਝ ਲੱਗ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕੁਝ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਬਾਕੀ ਲੜਕੇ ਲੱਗੇ ਵਧਣ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਵਗੈਰਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਟੋਟਲ ਅੱਜ ਸੈਟਅਪ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਛੋਟਾ ਹੈ ਨਾ ਅਤੇ ਸੋਫਾ ਸੈੱਟ ਲੱਗਣਾ ਹੀ ਉਹ ਸੋਫਾ ਸਾਰਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਤਿਆਰੀ ਥੀ ਪਈ ਸਾਰੀ ਐਡੋ ਗਿਲਾਸ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਸਫਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਮਲਾ ਐਡੋ ਤੋਂ ਕੁਝ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਉਸਤਾਦ ਲੋਸ਼ੂ ਹੋਣੀ ਬੈਠਣ ਅਤੇ ਇਹ ਖਾਣਾ ਰੈਡੀ ਕੀਤੀ ਬੈਠਣ ਆਪਣਾ ਸ਼ਾਮ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣਾ ਹੈ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਰੈਡੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਜਵਾਨ ਹੈ ਲੈਬਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਅਤੇ ਲੁਕਿਆ ਖੜੇ ਇੱਥਾਂ ਕੰਮ ਅੰਦਰੋਂ ਥੀਂਦਾ ਪਿਆ ਇੱਥਾਂ ਵਧੇ ਤਿਆ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਟੀਮ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਸਾਰੇ ਲੁਕਿਆ ਵਾਲੇ। ਅੱਛਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਥੀ ਗਈ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਮਹਿਮਾਨ ਹੀ ਆ ਗਏ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਅਸਾਂ ਗਰਾਸੀ ਕੋਲ ਲਾਈਟਿੰਗ ਕਰਵਾਏ ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ VIP ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿ ਅਸਾਂ ਨਾ ਇੱਕ ਨਾਈਟ ਵਿਊ ਸਾਗੂ ਚਾਹੀਦੇ ਅਤੇ ਇਹ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿ ਅਸਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਗਰਾਸੀ ਪਲਾਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਲਾਈਟਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਪਏ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਕੋਈ ਥਾਈਂ ਸਾਰਾ ਟੇਬਲਾਂ ਹੋ ਸਨ ਨਾਈਟ ਵਿਊ ਫੁੱਲ ਕਮਾਲ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਹੋ ਸੀ ਅਤੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਇੱਥੇ ਥੀਆਂ ਪੈਣ ਬਾਕੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅੱਛਾ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵੀ ਮਹਿਮਾਨ ਆ ਗਏ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਮਹਿਮਾਨ 100-150 ਬੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬਸ ਹੁਣ ਖਾਣਾ ਲੈਂਦੇ ਪਏ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਤੇ ਖਾਣਾ ਲਾ ਕੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਖਾਣਾ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਅਤੇ ਲੈਬਰ ਖਾਣਾ ਲੈਂਦੀ ਪਈ ਸ਼ਾਮ ਵਾਲੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਉਹ ਵਾਲਾ ਐਂਡ ਕਰੇ ਖਾਣਾ ਗਏ ਅਲੱਗ ਅਤੇ ਏਡੂ ਉਹਨੇ ਤਾਦਾਦ ਥੀ ਗਿਆ ਕੰਮ ਅਤੇ ਏਡੂ ਦੇਗਾ ਉਹਨੇ ਕੋਲ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਇੱਕ ਦੇਖ ਨਵੇਂ ਫਰੈਸ਼ ਚਾਵਲਾਂ ਦਾ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਇਹ ਦੇਣੇ ਪਏ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਉੱਥਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਖੀਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਖਾਣਾ ਲਿਸ਼ਾਨਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮਹਿਮਾਨ ਕੋਲ ਚੱਲੇ ਗਏ ਬਾਕੀ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਲਾ ਇੱਥੇ ਕਰਨੇ ਪਏ ਐਂਡ ਅਤੇ ਵਿਲਾ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੇ ਅਗਰ ਸਹੀ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਕੋ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਵਿਲਾ।